Good morning, students. Students, in this video, we will continue our chapter, that is the chapter number 7. Let's continue our questions. Why should we conserve biodiversity? Biodiversity hame kyun conserve karna chahiye? We should conserve biodiversity because it is very important for all living organisms and for the environment. Biodiversity jo hai wo sare living organisms ke liye aur sare environment ke liye bahut hi ek important hai. We should conserve biodiversity to save it from becoming extinct. Hame isko conserve karna chahiye, isko save karna chahiye taki ye extinct hone se isko hum bacha sake. Next, protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? कि जो protected forest होते हैं वो भी पूरी तरह से wild animals के लिए safe नहीं होते. ऐसा क्यों है? Protected forests are not completely safe for wild animals because poachers have found access in these areas and killing animals. क्योंकि poachers को क्या करना होता है, access करना होता है, have found access in these इन areas में क्या करते हैं, वो animals को found करते हैं और उनको kill कर देते हैं. There is a need to make strict rules against poaching and trespasses. So, इनके against जो है poaching के against और trespasses के against strict rules जो है वो बनाने की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ ट्राइबल्स जो होते हैं वो क्यों डिपेंड करते हैं जंगल के ऊपर अपने खाने के लिए. सो दैट्स इट इज़ द रीज़न दैट कि वो अपने खाने के लिए, अपने फ्यूल, वुड और शेल्टर के लिए जो लोग हैं, कबीले लोग जो होते हैं, वो जंगल पे डिपेंड करते हैं. एंड दे हैव लिव टू फॉरेस्ट, उनको फॉरेस्ट में रहना होता है और उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या कारण है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का कारण ये है कि एक तो अर्बनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो कर रही हैं. अब नीड फॉर मोर लैंड, अब जितनी ज़्यादा हमें ज़मीन चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगी, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो रहे हैं फॉरेस्ट के, उनकी हमें कटिंग करनी पड़ती है. द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डेजर्टिफिकेशन. जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा, उसका डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा. डेजर्टिफिकेशन मीन्स कि वो डेजर्ट में चीज़ वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाएंगी सारी. इट हैज़ ऑल्सो रेंडर्ड मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अनप्रोटेक्टेड एंड अनकंजर्व्ड. इसके साथ साथ बहुत सारी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी स्पीशीज़ भी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सारी अनप्रोटेक्टेड और अनकंजर्व्ड हो जाएंगी, राइट. देन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक बच्चों क्या होता है, रेड डाटा बुक वो है जो जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंडेंजर एनिमल्स के और प्लांट्स के, कि कौन कौन से एनिमल, कौन कौन सा प्लांट एंडेंजर्ड खतरे में है, उनके सारे जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं दैट इज़ द रेड डाटा बुक. और इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं रिकॉर्ड्स को, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं और एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइग्रेशन क्या होती है. फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के पर्पस के लिए और अपने कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बर्ड्स की जो कुछ स्पीशीज़ हैं या एनिमल्स की कुछ स्पीशीज़ हैं वो अपने हैबिटेट से, एक जगह से दूसरे हैबिटेट में मूव करते हैं. द बर्ड्स मूव टू फार अवे एरियाज एवरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम. बर्ड्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं दूर दूर एरियाज तक एक पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, और दोबारा कुछ टाइम बाद वो अपने वापस ओरिजिनल हैबिटेट में वापस आ जाते हैं.
सो दिस पीरियडिकल ऑफ सम स्पीशीज इज नोन एज माइग्रेशन. तो ये जो पीरियडिकल मूवमेंट होती है स्पीशीज की, इनको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. Then, question number 6. In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. फैक्ट्रीज़ की डिमांड जो इंक्रीज़ हो रही है या शेल्टर की डिमांड को देखते हुए ट्रीज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूली कट हो रहे हैं. इज़ इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज़ फॉर सच प्रोजेक्ट्स? ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रीज़ को कट करना क्या एक जस्टिफाइड है? डिस्कस एंड प्रिपेयर ब्रीफ रिपोर्ट. तो इसके ऊपर आपको एक छोटी सी जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करनी है. द एवर इंक्रीजिंग demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. We have to retain our green wealth. अगर बच्चों हमें अपने generation के लिए green wealth को बचा के रखना है तो plantation जो है more trees की वो ही एक option है. सिर्फ एक option क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पेड़ लगाएं. Cutting of trees can only be justified when deforestation is done. कटिंग तब तक जस्टिफाइड होगी ट्रीज़ की अगर हम साथ के साथ रीफॉरेस्टेशन भी करते जाएं, साथ के साथ पेड़ पौधे भी लगाते जाएं. रीफॉरेस्टेशन इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? रीस्टॉक ले करना डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट का ताकि नए नए प्लांट्स लगा के. द ट्रीज प्लांटेड शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर जनरली फाउंड इन द फॉरेस्ट. ट्रीज़ जो प्लांट किए जाते हैं वो सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए ताकि जो हमें एक फॉरेस्ट में जनरली मिल सकें. वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज़ एज वी कट. जितने हम प्लांट्स कट करते हैं और जितने ज़्यादा हमसे हो सके हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराना चाहिए. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. और रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी होती है इफ़ द लैंड इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. अगर हम लैंड को अनडिस्टर्ब छोड़ दें द फॉरेस्ट विल इस्टेब्लिश इट्सेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो फॉरेस्ट जो है वो अपने आप इस्टेब्लिश हो जाता है एक टाइम डाल के. एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद फॉरेस्ट जो है अपने आप री एस्टेब्लिश हो जाता है. वी हैव डैमेज आवर फॉरेस्ट टू सच एन एक्सटेंट. हमने एक ऐसी एक लिमिट तक हमने अपने फॉरेस्ट को डैमेज कर दिया है कि दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेन द ग्रीन वेल्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. कि अगर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ग्रीन वेल्थ को रिटेन करना डिफ़िकल्ट हो गया है. So it is very important to plant more trees and to find out ways of recycling and restoring our natural wealth. So ये ज़रूरी है कि plants जो हैं वो ज़्यादा हम grow करें और find करें बहुत सारे ways ताकि recycling हो सके और हमारा जो natural wealth है वो restore हो सके. Then next question is, how can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? अब अपने लोकेलिटी के एरियाज़ में आप कैसे ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? उसके लिए आपने एक लिस्ट बनानी है जो जो आप एक्शंस ले सकते हैं. सो द आंसर इज़ द ग्रीन वेल्थ ऑफ द लोकेलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रेसिडेंट. जो जिस जिस एरिया में जो लोग रह रहे हैं हर एक रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ग्रीन वेल्थ को क्या करके रखें, ग्रीन वेल्थ को बचा कर रखें, मेंटेन करके रखें. वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स इन द लोकेलिटी. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कराना चाहिए. द रेजिडेंट शुड वर्क टुगेदर टू कंजर्व द ग्रीन बेल्ट ऑफ लोकेलिटी. ये रेजिडेंट जो हैं लोग जो हैं उनको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए ताकि जो हमारी लोकेलिटी की ग्रीन बेल्ट है उसको कंजर्व कर सके. ऑल्सो दे शुड बी टॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. और ये हमें ये भी साथ के साथ ये चीज़ पढ़ाती है कि जो डिफॉरेस्टेशन होगा और जो ग्लोबल वार्मिंग होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. अब इसके लिए एज अ स्टूडेंट जो हैं आप, ठीक है, तो आप क्या जो है एक्शंस ले सकते हैं. आई ऑल्सो टीच द स्मॉल चिल्ड्रन एनकरेज द स्लोगन वन मैन वन ट्री एवरी ईयर.
हमें ये स्लोगन डालना चाहिए बच्चों के माइंड में कि एक जो पर्सन है एक ट्री भी हर साल लगाएगा, सो दैट एवरी रेजिडेंट प्लांट एटलीस्ट वन ट्री इन अ ईयर एंड टेक्स केयर ऑफ इट। अगर वो एक रेजिडेंट जो है एक साल में एक भी ट्री लगाता है और वो उसकी क्या करे, उसकी टेक केयर करे। देन एक्सप्लेन हाउ डीफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। अब जो डीफॉरेस्टेशन होती है उसे रेनफॉल जो है वो कैसे रिड्यूस होती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ट्रीज कम है इट्स मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड लेस है एंड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमोसफियर। और वो क्या है, क्या होगी अपने एटमोसफियर में उसका अमाउंट बढ़ेगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, जो अर्थ जो हीट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट कर लेगी बाय द अर्थ। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है अर्थ के ऊपर वो डिस्टर्ब करता है वाटर साइकिल को और साथ के साथ रेनफॉल को रिड्यूस कर देता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका बेटा कि आपने नेशनल पार्क फाइंड करने, ये आप जो SST का चैप्टर करते हो तो उसमें आपको इंडिया का मैप जो है यू हैव स्टडीड अबाउट इट ना, तो आप वहाँ से इसके एरियाज को आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई शुड पेपर कंजर्व्ड। पेपर क्यों कंजर्व करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या आप जो वेस्ट कर सकते हैं पेपर को बचाने के लिए वो क्या है। पेपर इज़ यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। पेपर जो है हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। थाउजेंड ऑफ ट्रीज आर कट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पेपर। पेपर की डिमांड को पूरा करने के लिए हज़ारों ट्रीज जो हैं वो कट होते हैं। इफ़ द ट्रीज आर बींग कट फॉर पेपर, अगर ट्रीज जो हैं हम उसकी कटिंग करते जाते हैं पेपर के लिए, देयर मे बी वन डे वी विल बी लेफ्ट विद नो ट्रीज। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमें जो है कोई भी ट्री देखने को नहीं मिलेगा। सो द पेपर शुड बी सेव्ड, इसलिए पेपर सेव करना चाहिए और इंटेलिजेंटली इसको यूज़ करना चाहिए। द वेज बाय विच वी कैन सेव पेपर, अब जो वेज के साथ हम पेपर को सेव कर सकते हैं, दैट इज़ द वी शुड रिसाइकल द वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर को रिसाइकल किया जाए, ठीक है। हेयर एंड देयर इधर उधर पेपर को फेंकना नहीं चाहिए। पेपर शुड सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के लिए जो है पेपर उसको सेंड करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट टियर आवर ओल्ड बुक्स, एंड जो हमारी पुरानी बुक्स होती हैं वो हमें फाड़नी नहीं चाहिए, किसी पुअर बच्चे को दे देनी चाहिए ताकि वो रीयूज़ कर सके उन बुक्स को। वी शुड एनकरेज बाइंग रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट। हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि पेपर प्रोडक्ट को रिसाइकल करें। एंड वी शुड अवॉइड टेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम द शॉप्स। दुकानों से पेपर बैग लेने के बजाय हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड कैरी जूट बैग्स, जो जूट के बैग्स होते हैं उसको लेना चाहिए। देन हियर इज द वर्ड पजल हैज गिवन। देन विद दिस our chapter is finished. So our chapter number 7, that is the conservation of plants and animals, here it has finished now.